वाहेगुरु जी। ये पिछे जड़ी धार कढ़ी सी नवी सूई ताजी सूई मझ दी ये उहदा दुध है। इहदी हुण आपां बौली बनाउण लगे हां। ये किलो तो ज़्यादा ही होना है ना। इहदा कलर पीला पीला जिहा जी। ये हुण छेलड़ा दुध हुंदा ताजी सूई मझ नूं कहिंदे ने छेलड़ा। इहनूं हुण कुछ भी आपां ने मतलब कि पा के नहीं फाड़ना हैगा विच कोई टाटरी या नींबू सा तो अपने आप ही नहीं फट जाना। तो फिर आपां हुण इहदी बौली तैयार करन लगे हां। असीं अपने तरीके नाल तुहानूं दस रहे हां। वाहिगुरु जी। होर सारा दुद्धा चांदनी ने पी लिया सी चुंग लिया ते डेढ़ कु किलो कढ़िया सी। ये हुण गर्म हो जाए इहदी जल्दी फटना शुरू हो जाने। तो फिर चांदनी की खुशी च हुण पार्टी करांगे बौली नाल बौली बना के। वाहिगुरु जी। ये दुध गर्म होन लग गया। ये छेलड़ा दुध नीचे बहुत लगता है। ये देखो हेठा लगन लग गया। तो आप कड़छी फेरी जानी है नहीं फिर ये नीचे लग के ब्लैक ब्लैक जहा हो जाना जी कड़छी ना फेरी। ये देखो बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। हुण इहनूं असीं ने मतलब कि एवें जिवें आपां खोआ नहीं कढ़दे ऐ खोआ खोए वांगू मतलब कि खुरचना इहदे विच घुमाई जाणा फेरी जाणा इहनूं नीचे नहीं लगण देणा। फिर जदों इहने घिओ छड़ देणा उदों इहनूं बंद करांगे गैस नूं उदों तक पकावांगे। वाहिगुरु जी। अद्धे घंटे तो भी ज़्यादा ही घंटे वांगू लग जाता बौली बनन नूं। ये देखो जिन्ना दुध सीगा ना ये डेढ़ किलो दुध चों डेढ़ किलो ही बौली बन जानी है। तो ये जड़े बबल्स दिखते ने ये सारा जड़ा ये विच पानी है वो खत्म हो जाए बिल्कुल सुक्का खोआ बन जाना यदा मिल्क केक वांगू। तो आप हुण इहदी चाणी है जिहड़ी वो अलग नहीं तैयार करांगे विच तैयार हो जानी है। जिन्ना क आपां मिठा चाहिंदा कोई घट वध खांदा उन्ना क पा लो ठीक है जी। वैसे एक मम्मी दा मिठा बनदा होर सारे तो असीं नॉर्मल मिठा ही खा लैंदे घट नहीं खांदे मिठी चीज़ सानूं मिठी वधिया लगदी है। इस जो घ्यो निकल आऊगा पानी खत्म हो जाऊगा यदा फिर आप गैस में बंद करा इन्ना चिर एवं नीचे नहीं लगन देना। हाँ जी पा लिया। वाहिगुरु जी। ये बिल्कुल सुक्की सुक्की हुण बन के तैयार है। ये लो जी चाहे दे पेड़े बना लो चाहे इन जमा लो चाहे एवें कौलियां छपा के खा लो वो अपनी मर्जी है ठीक है जी। अपनी बौली बन के तैयार है। ये असी जिवें बनाउने आ उस तरह थोनू दसिया है। जदों असी पहला दूजी मझ की बौली बनाई सी उदो सानू सबसक्राइबर दे बहुत सोहने कमेंटा के उन्होंने एक सानू बहुत वधिया आइडिया दसिया कि आपां इहनूं
पहला हूँ आप कली बौली खाइए, उस तो बाद बर्फी की बारी। ठीक है जी, बनी तो बाद थोनू नेड़े तो दिखाना तो भुले गए। तो ये देखो किन्नी सोहनी सुक्की सुक्की, बिल्कुल जिवें सुक्की पंजीरी हुंदी है खोए वाली, उवें बहुत सोहनी खोए ही है ये एक टाइप का। ताज़ा ताज़ा फ्रैश फ्रैश ताकत नाल भरिया होया, बहुत सोहनी है। गुरु जी ये रात दे 8 बज गए, हनेरा हो गया, साडा रोटी का सारा निबड़ गया। तो जो असी बौली बनाई है बहुत गर्म सीगी, हुण असी बौली छकांगे। अज चांदनी की खुशी च पार्टी हो रही है बौली की। ये बहुत फायदेमंद हुंदी है अखां की निगाह वास्ते, तो वैसे भी ये बहुत ताकत हुंदी है। जही जी ये बौली खा ली, छेलड़ा दुध पी लिया, वह जहा 5 किलो देसी घ्यो खा लिया, एक बराबर हो जाता है। तो ये थोड़ी खाधी जाती है, थोड़ी पायो। हाँ एक रोटी भी खाधी हुई है, ता भी घट्टे खाधी जाऊगी। मिल गई सारे नु ये बच्चे बौली है, तो बिना जवाया जवाया मिल्क केक है, मतलब कि वो बर्फी पीस होंगे ने। ये एवं देख मम्मी भी किमें शक रहे कैडी चीज़ खाधी नहीं जाती, बहुत बोली होंगी है। हाँ जी ठंडी हो गई हूँ तो, चलो ठीक है जी, तुम भी इंजॉय करो बौली छको। ठीक है वीर जी ने सारी छकी है। वाहेगुरु जी, बच्चे ने स्टार की भैन का नाम चांदनी रखे है। तो हुण चांदनी अपने आप पहला दुध पीण की कोशिश कर रही सी, हुण उहदी हैल्प कर दिंदे आ। इह एक दिन की नहीं होई हले, कुछ घंटियां दी है। ये मज की धार बोली है ना, दूजी की तो बहुत कैड़ी है। दलिए दुलिए पा दे ना। अच्छा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਂਦਨੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੌਫਟ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਦਾ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਣਾ